थी ना कि वो पसंदीदा जगह है ना नाना की। अरे बेटा जहाँ के ससुराल तो एक बार घूमो हमें कहीं चले आओ, तुमको पहले काऊ दिखाते हैं। चलो वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग आए इधर फार्म हाउस साइड घूमने, और मैं जब से आई हूँ ना इधर साइड हम लोग आए ही नहीं हैं। और जब भी आती हूँ तो यहाँ ऐसे होता है कि फार्म हाउस से एक बार जाना ही है इधर साइड, क्योंकि चाची चाचा लोग भी रहते हैं इधर साइड और इधर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बचपन भी यहाँ बीता है फार्म हाउस में, और पापा को बहुत पसंद है ये जगह। सॉरी है नहीं थी, मतलब पापा को इतनी ज़्यादा पसंद थी ना कि ऐसा रहता है एक बार मेरा कि मैं फार्म हाउस जा करके एक बार ज़रूर घर ससुराल जाने से पहले मैं फार्म हाउस जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा की ये पसंदीदा जगह है तो यहाँ तो आना बनता ही है। यहाँ पर लगाई गई थी ना इधर पीछे साइड, तो आपको दिखाऊं कैसे आम का पेड़ आधा ये ऐसे पत्तियां इसकी सूख गई, जबकि आम इतने सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ हमारे फार्म हाउस में ना आम के पेड़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन ना ये सब ज्यादातर देसी वाले हैं जो अचार वाले रहते हैं, ऐसे वो जो दशहरी वाले रहते हैं ना वो वाले नहीं है। लगे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सब अचार वाले आम हैं, छोटे छोटे साइज वाले। तो दिखाऊं उसको इतना ज्यादा यहाँ मजा आ गया। उदयन उसमें नहीं, इतना ज्यादा इनको मजा आ गया यहाँ। उदयन इधर भी ले आओ, दिखा दो ये वाली काऊ की। देखो छोटा सा काऊ, वो एकदम छोटू सा काऊ है। हाँ अच्छा है, जाना काऊ के पास, जाओ चले जाओ। नहीं माउस तो हमने घूम लिया, इधर अपने तरफ अब चलते हैं चाची लोग के पास। वो लेते हैं भाव तो बहुत आज बने हैं, भाव ही हमारे फार्म हाउस का ना पूरा टेक केयर करते हैं, पूरा देख रेख करते हैं। नहीं गाड़ी में चली ना। हाँ
फिर उधर साइड से रोड से घूम करके उधर से जाना पड़ेगा ना। ची के साइड आ गए हैं और आपको अपने नाना जी दिखा देती हूँ। नाना जी और हमारे बाबा, बाबू ही हम लोग बोलते हैं, तो बाबू और नाना जी दोनों को दिखा दूँ आपको। चुभ रहे हैं हमारे, ये आपको दिखाऊँ अपने साइड का फार्म हाउस। तो बैक कैमरे से मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई उधर का, हम भी आपको दिखा दो। पूरा का पूरा जंगल टाइप का ही है, और वैसे तो इधर का मैंने अपने साइड का बहुत दिखाया हुआ है। जब से मैं वीडियो पर शूट कर रही हूँ ना, बहुत बारी मैं यहाँ फार्म हाउस में आई हूँ। तो बहुत सारे आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, ये सारे के सारे ना आम के पेड़ ही लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा लगा? मजा आया? नहीं, हम तीनों बहनों की ही चिल्लर पार्टी है। नहीं, सपना भाभी के सबके हैं थोड़े थोड़े, भाभियों के भी, पर ये मतलब ना के बराबर ही है। घर में जितने बच्चे हैं तब ना के बराबर ही है। इतने सही देख रही, कितना पूरा भरा भरा सा लग रहा है। जाओ अन्य, अच्छा अन्य तुम नहीं आई हो, वो जस्सी की जा ही नहीं रही। कितना अच्छा लग रहा है ना इस शाम का टाइम। तो ये जा मौसी के साथ नीचे, ये मौसी है। तो अभी सब लोग बैठे हैं, ज्योति दीदी, प्रीति दीदी भी आ गए, आप भी जाइए बैठ जाइए। तो आज कोइंसिडेंट हो गया, सब लोग यहाँ फिर से मिल गए हैं। और आपको ग्रीनरी दिखाऊं, कितना अच्छा लग रहा है। चाची के यहाँ हम सब लोग बाहर बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो छत में ही हम लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि अंदर तो वैसे भी घर में रहना ही होता, तो जब कहीं जाओ ना तो ऐसे रहता है कि बाहर खुले में नेचर में बैठ करके थोड़ा सा फील लेना है। और यहाँ फार्म हाउस में तो आप खुद ही देख सकते हो, चारों तरफ आपको सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखेंगे, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना। और लाइट भी आज थोड़ा सा लाइट का इशू था, बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो फिर ये हुआ कि बाहर ही बैठते हैं, यहीं पर सब लोग बातें बातें करते हैं। ये आपको दिखाऊं इधर से मेरा घर, और हम लोग ना जा रहे हैं सबसे छोटी वाली चाची चाचा के यहाँ, तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो ये देखो सब लोग चल करके ही जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। मम्मी, प्रीति दीदी, ज्योति दीदी सब आके निकल गई। और ये आपको दिखाऊं, ये नहर है, पूरा का पूरा सूखा हुआ है, और जब अभी बरसात का टाइम आएगा ना, पूरा भरा रहेगा ऊपर तक। और इधर है हमारा घर, ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, पापा ही बनवाए थे, अभी भी वैसे के वैसे ही पड़ा है। जाओ नानी के पास। नहीं बच्चे इतना दो भाभियों के बच्चे हैं इतने सारे, और अभी तो पूरा परिवार बचा ही है। कुछ ही बच्चों ने मिलकर के ना एकदम आतंक काट रखा है, इतना चिल्लाए जा रहे चिल्लाए। चाची मंगाई थी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, तो वही बच्चे भी खा रहे हैं और हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वैसे तो सच बताओ मुझे कोल्ड ड्रिंक उतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती है, पहले मैं बहुत पीती थी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन अभी इधर ना पिछले एक दो साल से उतना ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं रहता। हम लोग घर आ गए हैं और भाभी ने ना सरप्राइज़ दे दिया, समोसे बना रही हैं। तो कई बार ऐसे रहते ना कुछ नहीं समझ में आता, और बच्चों को समोसे वगैरह अच्छे लगते हैं, तो बाहर वाले समोसे नहीं भाभी लोग खिलाती हैं, तो जब भी कभी ऐसा रहता है ना तो घर में ही बना देती हैं, और घर वाले ना सच में अच्छे रहते हैं। और ये आम की जो कली रहती है ना, उस आम कली वाली चटनी है, और इसमें खूब सारी मिर्ची वगैरह डाल करके बनाई है। तो अभी आपको दिखाऊँ समोसे कैसे बन रहे हैं। पहले पूड़ी बनाना है, फिर इसको बीच से कट करके दो पार्ट में कर देना है, और
फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा ना साइड से पानी लगा करके, ताकि चिपक जाए अच्छे से जब आप डीप फ्राइड करो ना तो निकले नहीं। और फिर इस तरीके से आलू को अंदर फिल कर देना है और इसको अच्छे से पैक करके फिर डीप फ्राइड करना है। तो वैसे सच बताऊँ ना, घर वाले समोसे ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गर्मा गर्म समोसे बन गए हैं और एक समोसा मैंने तोड़ करके भी रख लिया है उदयन के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। और आपको दिखाऊं एकदम मार्केट जैसे के समोसा, और साथ में है ये चटनी।